भारत ने कल से करतारपुर राहदारी से सिख यात्रियों के पाकिस्तान जाने पर पाबंदी का फैसला कर लिया है। आज करतारपुर राहदारी से 150 के करीब सिख यात्री गुरुद्वारा पहुंचे, जिन्हें मुकम्मल स्क्रीनिंग के बाद गुरुद्वारा जाने की इजाजत दी गई। इसी बारे में तफसीलात जानते हैं यासिर अराफात से। यासिर, बताएगा सूरत हाल क्या है और इकदाम क्या उठाए जा रहे हैं? ये बिल्कुल जी, कोरोना वायरस के खतरे के बायस भारत ने अपनी सरहदों को दूसरे मुल्कों के लिए गैर मुआइना मुद्दत के लिए आज रात 12 बजे के बाद बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। जबकि करतारपुर राहदारी पर आने वाले सिख यात्रियों की आमदरफ्त का सिलसिला जो है वो आज भी जारी है। करतारपुर में आज जो है 1200 से जायद जो है संगतें आएंगी, जबकि अभी तक जो है 500 से जायद जो है संगतें पर पहुंच चुकी है। निम्बर पाकिस्तान सिख जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी इंद्रजीत सिंह का कहना था कि जब से करतारपुर कॉरिडोर खुला है संगतें आ रही हैं, करतारपुर को बंद नहीं किया गया। आज भी 15 तारीख है, इतवार का दिन है, आज भी 1200 से जायद जो संगतें आएंगी। अभी तक 500 से जायद जो है पहुंच चुके हैं। कोरोना खतरा के पेश नजर संगतों के टेस्ट किए जा रहे हैं, टेस्ट के बाद ही उनको करतारपुर आने की इजाजत दी जा रही है। इस सिलसिले में करतारपुर में फ्लेक्सी जो बोर्ड भी अवेलेबल कर दिए गए हैं और संगतों के टेस्ट करने के बाद काउंटर लगा दिए गए हैं, जिनकी स्क्रीनिंग के बाद ठीक है, मुकम्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए यासर। भारत ने कल से करतारपुर राहदारी से सिख यात्रियों के पाकिस्तान जाने पर पाबंदी का फैसला कर लिया है। आज करतारपुर राहदारी से 150 के करीब सिख यात्री गुरुद्वारा पहुंचे, जिन्हें मुकम्मल स्क्रीनिंग के बाद गुरुद्वारा जाने की इजाजत दी गई। इसी बारे में तफसीलात जानते हैं यासिर अराफात से। यासिर, बताएगा सूरत हाल क्या है और इकदाम क्या उठाए जा रहे हैं? ये बिल्कुल जी, कोरोना वायरस के खतरे के बायस भारत ने अपनी सरहदों को दूसरे मुल्कों के लिए गैर मुआइना मुद्दत के लिए आज रात 12 बजे के बाद बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। जबकि करतारपुर राहदारी पर आने वाले सिख यात्रियों की आमदरफ्त का सिलसिला जो है वो आज भी जारी है। करतारपुर में आज जो है 1200 से जायद जो है संगतें आएंगी, जबकि अभी तक जो है 500 से जायद जो है संगतें पर पहुंच चुकी है। निम्बर पाकिस्तान सिख जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी इंद्रजीत सिंह का कहना था कि जब से करतारपुर कॉरिडोर खुला है संगतें आ रही हैं, करतारपुर को बंद नहीं किया गया। आज भी 15 तारीख है, इतवार का दिन है, आज भी 1200 से जायद जो संगतें आएंगी। अभी तक 500 से जायद जो है पहुंच चुके हैं। कोरोना खतरा के पेश नजर संगतों के टेस्ट किए जा रहे हैं, टेस्ट के बाद ही उनको करतारपुर आने की इजाजत दी जा रही है। इस सिलसिले में करतारपुर में फ्लेक्सी जो बोर्ड भी अवेलेबल कर दिए गए हैं और संगतों के टेस्ट करने के बाद काउंटर लगा दिए गए हैं, जिनकी स्क्रीनिंग के बाद ठीक है, मुकम्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए यासर। भारत ने कल से करतारपुर राहदारी से सिख यात्रियों के पाकिस्तान जाने पर पाबंदी का फैसला कर लिया है। आज करतारपुर राहदारी से 150 के करीब सिख यात्री गुरुद्वारा पहुंचे, जिन्हें मुकम्मल स्क्रीनिंग के बाद गुरुद्वारा जाने की इजाजत दी गई। इसी बारे में तफसीलात जानते हैं यासिर अराफात से। यासिर, बताएगा सूरत हाल क्या है और इकदाम क्या उठाए जा रहे हैं? ये बिल्कुल जी, कोरोना वायरस के खतरे के बायस भारत ने अपनी सरहदों को दूसरे मुल्कों के लिए गैर मुआइना मुद्दत के लिए आज रात 12 बजे के बाद बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। जबकि करतारपुर राहदारी पर आने वाले सिख यात्रियों की आमदरफ्त का सिलसिला जो है वो आज भी जारी है। करतारपुर में आज जो है 1200 से जायद जो है संगतें आएंगी, जबकि अभी तक जो है 500 से जायद जो संगतें